हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं एएफके फिशिंग फार्म। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों को इसे बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको हैवी वेटेड प्रेशर प्लेट चाहिए, यानी कि आयरन का प्रेशर प्लेट, और एक आयरन ट्रैप डोर चाहिए, और कोई सा भी एक फेंस ले लीजिए आप, एक वाटर बकेट, एक नोट ब्लॉक, और कोई भी आपके चॉइस का कोई एक ब्लॉक चाहिए, और एक हॉपर और एक चेस्ट। आपको इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम लोग इस चेस्ट को इसके अंदर रख देते हैं। तो मैंने देखिए इसके अंदर रख लिया है। तो अब आपको यहाँ पर एक हॉपर चाहिए, और हॉपर को यहाँ पर इस चेस्ट में सिर्फ बटन दबा के इस पर अटैच कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस चेस्ट पे अटैच हो चुका है। चलिए हम लोग अपना आगे का बिल्ड शुरू करते हैं। तो अब हमको सिर्फ दबा लेना है, और ये जो फेंस है इसके ऊपर लगाना है। ये फेंस लग गया है अब। तो दोस्तों, अब हम लोगों को इसके ऊपर ये हैवी वेटेड प्रेशर प्लेट लगा देना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर लगा दिया है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक गड्ढा खोद लेना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक गड्ढा खोद लिया है। अब आपको ये करना है कि ये जो वाटर बकेट है, आपको इस वाटर बकेट को इस फेंस के ऊपर लगाना है। तो सिर्फ दबा के इसके ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये ऐसा हो गया है। तो अब आपको एक नोट ब्लॉक चाहिए, और यहाँ पर इस नोट ब्लॉक को यहाँ पर प्लेस कीजिए। अब आप कोई सा भी ब्लॉक लेके इस नोट ब्लॉक के ऊपर ऐसा रख दीजिए, तो यहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो आयरन ट्रैप डोर है, अब आपको करना क्या है कि ये जो आयरन ट्रैप डोर है यहाँ पर इसके इस साइड में लगा देना है। तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया है। तो अब आपका ये फिशिंग फार्म रेडी है। तो हमारे फिशिंग फार्म अब रेडी हो चुका है। तो अब बस इस बाकी इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक फिशिंग रॉड है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर इसके सामने जाना है, और ये जो ट्रैप डोर है इसके इस वाले पॉइंट पर आपको निशाना लगाना है, और राइट क्लिक दबाए रहे रखना है। और अब आपको दबाना है F3+T, दबा देना है आपको। तो दोस्तों, मैंने F3+T दबा दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोड हो रहा है। तो गाइस, मैंने अभी राइट क्लिक बटन नहीं दबाया हुआ है, तभी ये खुद ब खुद यहाँ पर बटन दबाया जा रहा है। इससे आपके माउस की बचत होगी, और आपको बस ये की याद रखनी पड़ेगी F3+T। अगर आपने इसे दबा दिया है वो बटन क्लिक किए हुए, तो वो बटन बार बार क्लिक होते रहे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही यूज़फुल लगा हमारी ये फिशिंग फार्म में। तो मैं कुछ देर आपको बाद दिखाऊंगा कि हमने कितने फिशेस कलेक्ट किए। वैसे अगर आप इस फिशिंग रॉड में मेंडिंग वाला इंचेंटमेंट लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ना ये फिशिंग रॉड का नहीं। तो गाइज, मैंने अभी पूरी रात माइनिंग की, और आपको मैं अब दिखाता हूँ कि कितने सारे सामान हमारे चेस्ट में आ चुके हैं। तो देख सकते हैं, मैंने अभी तक यहाँ पर पफर फिश मुझे मिला है, लेदर मिला है, यहाँ रॉक और लिली पैड। अगर आप कुछ ज़्यादा देर माइनिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैंने अभी बहुत कम ही देर माइनिंग की, इसलिए मुझे इतने कम चीज़ें मिली। तो ये डिज़ाइन है, ये बहुत ही छोटा है। तो आप इसे अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर बाहर में लगा दिया है। तो आपको यहाँ पर असली में फिशिंग रॉड को में मेंडिंग वाले इंचेंटमेंट लगा देंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे एएफके फिशिंग फार्म बिना इंचेंटमेंट के करेंगे तो ये फिशिंग रॉड जल्द ही टूट जाएगा। तो आपको इसमें मेंडिंग लगा देना चाहिए, इससे ये होगा कि ये जल्दी नहीं टूटेगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। गुड बाय।